गर्मी शुरू होते ही लगातार किसानों की फसलों का जलने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये ओबदुल लगन क्षेत्र में लगातार चौथे दिन इन खड़ी फसलों में आग लग रही है। ये गेहूं की फसल है जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूं, लगभग इस खेत में अभी आग लगी है। हालांकि दमकलों की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया है। ये देखिए, अब एक बार सहयोगी से कहूंगा नीचे दिखाएं, ये वो किसान की वो मेहनत है ये जो कि जलकर खाक हो गई है। ये देखिए, ये गेहूं की बाले हैं जो कि पूरी तरीके से अब जल चुकी है। लगभग 150 से 200 एकड़ का जो रकबा है, खड़ी फसल है, उसमें आग लगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कितनी यहाँ पे कितना एकड़ में आग लगी है और क्या कारण था? कारण तो अज्ञात है, लेकिन करीबन 100 से 150 एकड़ जमीन जल गई होगी। हमारी खुद की 10 से 15 एकड़ जमीन जली है और ऐसे कम से कम 20 से 25 किसान है जिनकी यहाँ पूरा खत्म हो गया है। कारण कुछ समझ आया कैसे लगी? कुछ भी नहीं देख पाए हम लोग तो, क्योंकि हम खुद कटाने के लिए खेत पे आए थे, वो मशीन और टाली लेके ही आए थे। अचानक हम लोगों को इधर से आग ही दिखी और हम कुछ कर पाते, इसके पहले बहुत तेज हवा थी और कुछ कर ही नहीं पाया, पूरा खेत सुहा हो गया आग। जैसे कि अब जो हवा जिस तरीके से चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हवा ने भी एक योगदान दिया आग को बढ़ाने में? हवा ने तो बहुत ही योगदान दिया। हवा जब चल रही थी तो मैं जब दादपुर खेत रोड पे आ गया था तो आग की जो लपटें थी 10 से 12 फीट ऊंची थी। जो मनुष्य जो भी लोग थे कूद नहीं पाए आग को बुझाने की, कंट्रोल करना नहीं मुश्किल था। अगर फायर ब्रिगेड आ जाती, यहाँ अब्दुल्लाज में 2.5 लीटर की फायर ब्रिगेड है, वो यहाँ आते आते 2000 लीटर पानी भी नहीं बचता उसमें, इतने छेद उस फायर ब्रिगेड में। हाँ, यहाँ पे क्या व्यवस्था है फायर की? क्योंकि पूरा ये कृषि का क्षेत्र है, पूरा का पूरा अब्दुल लगन ब्लॉक जो है कि गोहरगंज तहसील कृषि का क्षेत्र है। हम देखें अगर तो मंडीदीप में करीब 10 से 12 फायर ब्रिगेड है और यहाँ पर कितनी, एक ही फायर ब्रिगेड? यहाँ पर फायर ब्रिगेड के मामले में देखा जाए तो अपना क्षेत्र सबसे लाचार नजर आया है। यहाँ फायर ब्रिगेड, एक फायर ब्रिगेड होने के मतलब होना, और वो भी सुचारू रूप से संचालन नहीं होता उसका, और रोज आगजनी की यहाँ पर घटना हो रही है। और प्रशासन यहाँ पर फायर ब्रिगेड के मामले में आज तक किसानों को कोई मदद नहीं दे पाया। यहाँ पर 20 से 25 किसान बेचारे जो छोटे थे बड़े थे बेचारे, उनकी पूरी जो साल भर की मेहनत पे पानी फिर गया और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ यहाँ पर, और सभी किसान बेचारे बहुत ही दुखी है यहाँ। कैसे देखते हैं अब आप, क्या इसका उपाय है कि फसलों को अगर आग से बचाया जाए तो क्या उपाय, क्योंकि कहीं ना कहीं अब किसानों को खुद को भी एक रास्ते निकालने होंगे ताकि उनकी फसलें जलने से बच सके? देखिए, किसान तो अपना रास्ता निकाल ही लेता है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्षेत्र में हर साल आगजनी की घटना होती है, उसके बाद भी तहसील मुख्यालय की बात करें तो आपको एक फाइव ग्रेड मिलेगी और उसमें भी 2000 लीटर पानी आता है। पूरा क्षेत्र किसानी क्षेत्र है, उसके बाद भी यहाँ तकरीबन 5 से 6 फाइव ग्रेड होना चाहिए। गांव के हिसाब से फाइव ब्रिगेड हो, गोहरगंज में खड़ी हो, अब्दुलगंज में हो, चाहे वो दिवटिया हो, जो बड़े गांव है वहाँ फाइव ब्रिगेड खड़ी हो। किसानों ने ही ये आग बुझाई है, तकरीबन 4 बजे आग लगी और 5 बजे फाइव ब्रिगेड आई है। तो स्थानीय प्रशासन की इसमें पूरी लापरवाही है। SDM से लेकर तहसीलदार को फोन लगाएगा, SDM तक ने फोन नहीं उठाया। SDM साहब अभी यहाँ बात करके गए, उन्होंने लोगों के फोन नहीं उठाए। स्थानीय प्रशासन के पास सबने फोन लगाया, 5 बजे आप फाइव ब्रिगेड भेज दो, जब किसानों ने आग बुझा ली है। और मांग है हमारी किसानों की कि 32,000 रुपये हेक्टर मुआवजा सरकारी है, लेकिन किसानों को तकरीबन 50,000 रुपये हेक्टर मुआवजा दिया जाए एक एक किसान को। कई किसानों की पूरी पूरी फसल बर्बाद हुई है। तो छोटे किसान थे जिनकी 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन थी, उनकी पूरी बर्बाद हुई है फसल। तो ये क्षेत्र की मांग और किसानों की मांग। चलिए, कहीं ना कहीं देखिए, 4 दिन में जो खड़ी फसलों में जो आग लगी है वो तकरीबन 300 एकड़ से अधिक की जो फसल है वो जलकर खाक हो गई है, और कहें तो किसान की खून पसीने की गाड़ी कम आई है जो आग की लपटों में झुलस गई है। और लगातार इस क्षेत्र में किसान जो है कि दमकल की गाड़ियों की मांग कर रहा है, क्योंकि इस ओबदुल लगन क्षेत्र में नगर परिषद में मात्र एक दमकल है जो कि इस आगजनी की घटना को जो है कि कवर नहीं कर पाता है। कहीं आप आइए, मैं सहयोगी से कहूंगा, एक बार दिखाएं ये कितना एरिया है। लगभग 150 से 200 एकड़ का जो एक ही रकबा है जो कि हाल ही में जला है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन की ओर से SDM तहसीलदार और पटवारी यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और SDM ने अभी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर जो आरोप है कि जो दमकल की गाड़ियां पहुंची थी वो बहुत लेट पहुंची थी, जिसके कारण किसानों ने खुद ही उनकी खेत की जो आग है वो खुद ही बुझा ली थी। और ऐसा अमूमन तौर पर देखा गया है कि दमकल की गाड़ी अगर समय पर पहुंच जाए तो जो आग है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, बंसल न्यूज, ओबेदुल्लगंज।